वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले व्लॉग में आपने देखा हम लोग बेट द्वारका पहुंच चुके थे और अभी हम लोग जा रहे द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए। कैमरा, मोबाइल और बैग्स हमको यहाँ पे ही जमा करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कैमरा अंदर अलाउड नहीं था तो हमने दर्शन करके आ गए और उसे था दर्शन। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने की द्वारका पावन धाम देखने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे छोटे छोटे शंख के बहुत सारे की रिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के शंख है। भविष्य ने कार ले लिया और मेरे को वॉच चाहिए तो मैं वॉच देख रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने घड़ी और शंख लिया है। द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही है, थोड़ा सा आगे जाके। फ्रेंड्स, ये मंदिर पूरे सोने का नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर बस गोल्डन कलर कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने टिकट ले लिए दो हाफ और तीन फुल। फ्रेंड्स, ये गेट भी गोल्डन कलर से बनाया हुआ है और ऊपर पूरे कांच से बना हुआ है, बहुत सुंदर है। सबसे पहले हमने लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता जी के दर्शन करे। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, हमको एक जेल दिखाई दी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा श्री कृष्ण भगवान का जन्म कारावास में ही हुआ था। यहाँ पे मेरे पापा बता रहे श्री कृष्ण भगवान के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कृष्ण भगवान के पापा मामा कंस से बचा के मथुरा से वृंदावन लेके जा रहे कृष्ण भगवान को। जब हम लोग छोटे से कृष्ण भगवान को झूला दे रहे हैं, जब वृंदावन पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान की मासी पूतना है जो वृंदावन आई थी कृष्ण भगवान का वध करने के लिए, पर कृष्ण भगवान ने उनका ही वध कर दिया। फ्रेंड्स, इतने छोटे से कृष्ण भगवान ने इतनी बड़ी पूतना मासी को मार दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे कृष्ण भगवान माखन चुराते हुए, क्योंकि उनको माखन बहुत पसंद था। फ्रेंड्स, ये कालिया नाग है जिसके बारे में पापा उनको बता रहे हैं। ये आगे मामा कंस, कृष्ण भगवान उनको वध करते हुए। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान अपनी माता जी के साथ में। इस सीन में कृष्ण भगवान बड़े हो गए हैं और ये अपने फ्रेंड्स के साथ में है। फ्रेंड्स, ये मीरा भाई है जो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्ति। कृष्ण भगवान शिक्षा लेते हुए गुरुजी से। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान बहुत सैद्धांत है तो उनकी मम्मी उनको रस्सी से बांध दिया करती थी। फ्रेंड्स, जब इंद्र भगवान बहुत गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने बहुत बारिश करवाई थी, तब गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण भगवान ने सारे गांव वासियों को हेल्प करी। ऑर्डर के जाना है और इधर पहुंचना है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा खेलना चालू कर दिया। विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का अवतार लेके धरती पे आए थे। यहाँ पे कालका जी है, दुर्गा जी है और भी बहुत सारी माता जी है। फ्रेंड्स, ऊपर भी मंदिर है, तभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ऊपर पूरे महाभारत के दृश्य दिखाए गए हैं। ये भीष्म पितामह है जो बाण छाया में सोते हुए। यहाँ पर भृगु ऋषि कृष्ण भगवान की परीक्षा लेते हुए। यहाँ पर कृष्ण भगवान सुदामा जी के चरण धोते हुए।
यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव एक साथ है कृष्णाय वासुदेव जिनको ज्ञान देते हुए। ये जगन्नाथ भगवान है। कितनी सुंदर मूर्ति है विष्णु भगवान की। तिरुपति बालाजी के दर्शन। और ये श्रीनाथ जी भगवान जिनके बज रहे हैं दो। और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच में हमारे पास है पूड़ी और ये आलू की सब्जी और ककड़ी। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बहुत मजा आई। धूप धूप में परेशान हो गए। कौन नहीं जानत है। हम लोग हनुमान जी के मंदिर आए दर्शन करने के लिए। चलो गिर जाओगे बस उतना ही बस। अरे इधर नहीं चढ़ते बेटा। संकट फ्रेंड्स फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी फिर भी हमने थोड़ी सी कर ली। फिर बाद में पंडित जी ने डांट दिया। अभी डांडी से फिर से जा रहे भेड़ द्वारका। कविश कितनी बड़ी बोट है ना कविश। ये सबसे शेर भाग रही है। साइड में साइड हो जाओ। चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे द्वारका और अभी हम लोग फिर से बोट पे बैठने वाले हैं। पूछ के आप आशीर्वाद दिया। आओ अंकल रस्सी खोल रहे फिर नाव चलने वाली है। फ्रेंड्स हम लोग पीछे बैठे हैं बोट में। फ्रेंड्स बोट चल रही है। बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। Thank you.
फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर और गोपी तालाब, जो आपको हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। और ये